हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं प्रदीप कुमार, जो पिछले 2006 ईस्वी से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी कंपटीशन में जहां जीके जीएस है वहां आपको मैं जरूर मिले होंगे और कोई ना कोई मेरे द्वारा निर्देशित बात जरूर आपके पास होंगे, क्योंकि यदि आप जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो कौटिल्य जीएस का नाम जरूर जानते होंगे, या कौटिल्य जीएस वर्तमान समय में मुशल्लापुर हाट किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में है पटना में, और निश्चित तौर पे इसके कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या हैं, ये हम नहीं मेरे स्टूडेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको जीके जीएस के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ कौटिल्य जीएस का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सीपीएफ हो, सीडीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में हम किसी से कम नहीं। अब देखा जाए, अभी बिहार दरोगा का रिजल्ट आया, बिहार दरोगा में मेरे अपने क्लासरूम से 1000+ लड़का पीटी में पास किया, जिसमें 650 लड़का मुख्य एग्जाम में पास किया है, और अभी बिहार दरोगा का दौर समाप्त हो रहा है, आज कल अंतिम था 29 तारीख को, तो उसमें लगभग जितने भी लोग पास किए मेन का एग्जाम, उसमें से 10-12 लड़के अभी तक हमको बोले हैं कि मेरा फिजिकल नहीं हो पाया हाइट के वजह से या दौड़ के वजह से, लेकिन उसमें भी परचम लहरा दिया है। तो बस ये ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है। मैं बार बार कहता हूँ कि तुम साथ हो जब अपना दुनिया को दिखा देंगे, मैं मौत को भी जीने की अंदाज सिखा देंगे। इसी सब के साथ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप क्लास में आके मुझको देख सकते हो, क्लास में आके पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब चैनल जो आज से स्टार्ट हुआ है कौटिल्य जीएस के एक नए अंदाज में, आज से यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हो, मुझे देख सकते हो, और उसके लिए पहले आप जाने कि यदि किसी कारण से क्लास में नहीं आ पाते हैं आप, तो आप घर बैठे भी किस तरह से प्रदीप सर को अपने पास पा सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हम में और आप में दूरी कम नहीं होगी तब तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ नहीं सकता है, तब तक मेरे द्वारा दिए गए बात को आप समझ नहीं सकते हो। अतः यह समझना जरूरी है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्यों है, मैं यूट्यूब पर आया क्यों आया, क्योंकि मुझे यह पता था कि ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो पटना नहीं आ पाते हैं, जो कौटिल्य जीएस नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप घर बैठे दूर दराज में किस तरह से इसी क्लास को लाइव वीडियो में देख सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में, आजकल ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको मोबाइल नहीं है, समझ गए हमने क्या कहा, हम अपनी अंदाज में कहते हैं घसुआ मोबाइल। अब इस मोबाइल से आप पहले कौटिल्य जीएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बाद जो चीज आएगा, जो नया नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग को पहले से ऑलरेडी पता है कि नया नोटिफिकेशन जब तक बेल आइकॉन दबाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, बेल आइकॉन दबा देंगे, मैं जो भी बोलूंगा, जब भी कुछ डालूंगा, बेवजह बिना रोक टोक का आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि आप खोजेंगे और आपके मोबाइल में मैं ऑलरेडी आया रहूंगा। तो आप घर बैठे भी मेरे को कैसे जान पाएंगे, मेरे को कैसे, मेरे सब्जेक्ट को कैसे जान पाएंगे, उसके लिए जरा सा दे ये चीज, हम लोग बिहार के हैं, नो डाउट हम बिहारी होने का मुझे गर्व है, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, क्योंकि बिहार की धरती में वो मिट्टी है, वो उर्वरा शक्ति है कि एक शेर सासुरी को दिल्ली के तख्त पर बैठा सकता है, अशोक महान को महानतम शासक बना सकता है, और इतना ही नहीं, यह जो मगध का क्षेत्र है, पटना की कर्मभूमि है, पटना का जो क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक काल में आप सुने होंगे मगध का क्षेत्र है, मगध में कई वंश आए, हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक, हम ट्रिक कहते हैं हसीन मसुक सा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जिसमें मौर्य वंश ये सब तो क्षेत्रीय वंश ही रहा, लेकिन मौर्य वंश, अकेले मौर्य वंश पहला वंश था ऐतिहासिक जो पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य पर शासन कायम किया, पता है क्यों, एक गुरु के वजह से, वो गुरु थे चाणक्य, और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। आपको पता है कि मैंने इस कोचिंग का नाम क्यों रखा कौटिल्य, आप हिंदी में कौटिल्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कौटिल्य पढ़ेंगे, क्योंकि एक चाणक्य को पता चल गया था
कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक बच्चे में वो ताकत है, वो क्षमता है, यदि इसको ठीक से गाइड कर दिया जाए तो देश का महानतम शासक बन सकता है, अखिल भारतीय स्तर पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर सकता है। मैं भी चाणक तो अपने आप को नहीं कहता हूं, लेकिन मुझ में वो ईश्वर ने शक्ति दिया है और आपका साथ मिला है, तो मैं भी उस चाणक से कम अपने आप को नहीं आंकूंगा, क्योंकि मेरे पास भी हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और ईश्वर करे कि मेरा भी स्टूडेंट अखिल भारतीय स्तर पर अपना नाम कमाए, केवल अखिल भारतीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाए। आइए अपनी शब्द को दूसरे तरीके से ले चले। हमने कहा बिहार की मिट्टी में क्या उर्वरता है, आपको पता है हम लोग मैदानी क्षेत्र के हैं, पूरे भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र उत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसमें गंगा मैया की मिट्टी दोनों तरफ आकर उर्वर बनाती रहती है। अब बड़ी सुकून की बात है कि हम उस गंगा मैया की मिट्टी पे हैं, हम उस बिहार की मिट्टी पे हैं, जिसमें सालों भर कोई ना कोई नदी आकर अपना बाढ़ का पानी फैलाता है और बाढ़ के पानी के साथ हजारों टन नए अवसाद लाते हैं। और आपको जीके जीएस से पता होगा कि जब बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नई मिट्टी आती है तो वह नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, और भारत की सभी मिट्टी में नवीन जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह से हम बिहारी होने का मुझे फख्र है कि मैं बिहारी हूँ। रीजन कि भाई अपनी मिट्टी अपना देश, मैं क्यों अपनी मिट्टी को भूलूं, मैं जिस पद पर हूं बिहार के वजह से हूं। आज बिहार कहीं भी कम नहीं है, लेकिन आज मैं आपको यह विश्वास दिलाऊं कि जो हमसे क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर आप में वो क्षमता आ सकता है कि आप घर बैठे भी जीके जीएस की तैयारी करें। तो कौटिल्य जीएस लगातार 2006 ईस्वी से आपके साथ जुड़ा हुआ है, और अब जो बात आ रही है आज से नए युग की शुरुआत हुई है, उसमें नो डाउट आप घर बैठे भी मस्ती करेंगे जीके जीएस के साथ, एंजॉय करेंगे जीके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके कौन नहीं, हम साथ साथ हैं। इसी अंदाज में जरा सा फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जीके जीएस बड़ी आसान सब्जेक्ट है, बस समझना बाकी है, एक बार कंसेप्ट बन गया ताउम्र उसी को बनाते रहेंगे। बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मजेदार टॉपिक है, लोग पढ़ता ही नहीं है उतना बेहतर तरीके से। यदि मैथ में जितना लोग टाइम देता है उसका आधा जीएस में टाइम दे, तो जीएस को कब पढ़ते हैं, जब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, जीएस को कब पढ़ते हैं, जब सोने की तैयारी करते हैं, नींद को लाते हैं, जीएस को उचित टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी को अपना बनाने के लिए समय तो देना पड़ेगा, जब तक आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं तब तक आपका वो अपना नहीं होता है। लेकिन वो बात, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका रिजल्ट होगा, आप अभी आप दुनिया के पीछे जा रहे हो, रिजल्ट होने के बाद दुनिया आपके पीछे होगा, ये मेरा वादा है। अभी आप उहापोह की स्थिति में हो, कंफ्यूजन की स्थिति में हो, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूजन से ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन मैं अब सॉल्यूशन देने के लिए आपके घर बैठे भी आ गया हूं, और आशा और विश्वास करता हूं कि आपको नए नए टॉपिक नए नए अंदाज में देते रहूंगा। इसके लिए जरूर यदि पसंद हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इतना तो मुझे हक है, मुझे हक है इस बात का कि आप को मुझे और मुझको आपको ये इंटरेक्शन होना जरूरी है, और आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए, मैं प्रत्येक कमेंट को देखूंगा, और आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपका कमेंट आएगा मैं उस पर खरा उतरूंगा और उससे ज्यादा कुछ देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हम विश्वास है कि शेयर, ये मैं नहीं कर सकता, ये छोटा मोटा चीज हो गया, आप खुद ब खुद इसको शेयर करेंगे। तो हम लोग जीके जीएस, कौटिल्य जीके जीएस सदियों से आपके साथ रहा है और सदियों से आपके साथ रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और फिर नए टॉपिक में जो टॉपिक आप डिमांड करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं वो टॉपिक उतना विस्तार से यूट्यूब पे दूंगा, ताकि आप घर बैठे भी प्रदीप कुमार को कौटिल्य जीएस से जुड़ने का समय मिल पाए और आपका रिजल्ट हो पाए। ठीक है, बाय बाय।